दिल्ली से है। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श इस बैठक में होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और वीसी के जरिए बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में विचार विमर्श होगा। मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चाएं होंगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। किसान आंदोलन का आज 63वां दिन है और लगातार किसान आंदोलनरत हैं। दिल्ली के सिंघू बोर्ड पर किसानों की बैठक में किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। और साथ ही बता दें कि लगातार 63वां दिन आज है जब किसान लगातार आंदोलनरत हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट बंद किया गया है, क्योंकि कल जिस तरीके का माहौल देखने को मिला वाकई तनावपूर्ण। गृह मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में इंटरनेट पर रोक लगा दी है। दिल्ली में इंटरनेट पर बैन से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद से कई घंटे तक इंटरनेट यूजर्स परेशान रहे। सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, मुखरबा चौक, नांगलोई और साथ ही उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया। ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके की हिंसा दिल्ली में पेश आई उसके बाद इंटरनेट बंद किया गया। और इसी के साथ एक और अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में एहतियात के तौर पर कई रास्ते बंद हैं। आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बंद है, क्योंकि कल पूरा जो माहौल तनावपूर्ण रहा उसके बाद से अब सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता भी बंद है और साथ ही आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता भी बंद किया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता भी बंद, एहतियातन इन रास्तों को बंद किया गया है। लाल किला, मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट भी बंद किए गए हैं। कल जिस तरीके का पूरा हिंसा का मामला सामने आया वाकई तनावपूर्ण, और इसी में लगातार अब एहतियात बढ़ती जा रही है।